देखिए 15 अगस्त 26 जनवरी के पहले इनपुट जनरल रहता है और हम लोग पुलिस सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट थी। जब बीएसएफ की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहां से दो टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया, उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पूरा घेर लिया, इनकाउंटर जारी हुआ। रात में जीओसी विक्टर फोर्स मैं खुद वहाँ मॉनिटर किया, हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए, मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था। आज मॉर्निंग में जब सर्च किया गया तो एक पाकिस्तानी टेररी जो उस्मान कहा जाता है पिछले 6 महीना से एक्टिव था, उसका डेड बॉडी मिला है और वहाँ से बहुत सारे सामान मिला है। AK-47 मैगजीन ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है। और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। बहुत दिनों के बाद RPGs का सेल मिला वहाँ पर और ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिल के बहुत सा बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। मुझे अपने फोर्स पर पुलिस पर बहुत गर्व है। तो सर 15 अगस्त को लेकर किस तरह की सिक्योरिटी के अरेंजमेंट? बहुत हर जगह जैसे देख रहे हैं हम लोग कि पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो रहा है, फिल्सिंग हुआ, चेकिंग हो रहा है, ड्रोन से लोगों के सर्वाइंस हो रहा है, हम लोग टेक्निकल सर्वाइंस कर रहे हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर में श्रीनगर में हर जगह इंसिडेंट फ्री फंक्शन कराएंगे। आवाम से मैं आग्रह करता हूँ कि कोई घबराने की बात नहीं है। पाकिस्तान हरदम पहले भी किया, अभी भी कह रहा है इंस्टिगेट कर मिलिटेंट को कि टेरर इंसिडेंट करके लोगों को इसमें शामिल होने से रोके। आप डरे नहीं, आपके फोर्स पुलिस तैयार है, हम लोग सुरक्षा प्रदान करेंगे, आप आए शरीफ हो फंक्शन में। सर ये जो कल का इंसिडेंट है, क्या आपके इनपुट्स पहले से ही थे कि इस तरह के कुछ इंसिडेंट हो गए? देखिए पिछले एक सप्ताह से जनरल इनपुट था कि NH पर चाहे बारामूला श्रीनगर रोड पर हो या काजीगुंड से लेकर पंथा चौक बीच में कई तरह इंसिडेंट करने वाला है, इसलिए सिक्योरिटी फोर्स पुलिस बहुत तैयार थी। ये शो करता है कि रेस्पॉन्स देखिए सिक्योरिटी फोर्स का रेस्पॉन्स कितना अच्छा रहा है कि मिलिटेंट फायरिंग करते हैं, रिटेलिएट किया और मिलिटेंट को भागने दे दिया, घेर डाला वहाँ पे। तो आप मानते हैं सर कि ये पुलवामा टाइप ऑपरेशन था उनका, मतलब इंसिडेंट करने की कोशिश की? देखिए जो पुलवामा ID ब्लास्ट हुआ था लेकिन इसके पास AK-47 था, RPG-7 का लॉन्चर भी मिला है और सेल भी मिला है। ये शो करता है कि बहुत बड़ा हादसा करना था लेकिन उसमें हम लोग को सक्सेस मिला है। उस्मान जो बहुत खतरनाक LET का टेररिस्ट पाकिस्तानी है, इसको मार गिराने में हम लोग कामयाब हुए हैं।